प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं। इसमें एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। एनडीए की पहली बैठक 5 जून को पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई थी। 1 घंटे चली बैठक में 16 पार्टियों के किस नेता भी शामिल हुए थे। सभी ने मोदी को एनडीए का नेता चुना था, लेकिन आज होने वाली संसदीय दल की बैठक में मोदी को आधिकारिक तौर पर एनडीए का नेता चुना जाना है। लेकिन आज होने वाली बैठक में बुधवार को ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी सौंप चुके हैं। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर 17वीं लोकसभा भंग की थी। हालांकि नई सरकार के गठन तक मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए में 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद भी शामिल हैं।